तो दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि आप बटरफ्लाई कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक पेपर, एक सीजर, एक स्केल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आपके पास रेक्टेंगल पेपर है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, ये वाला कॉर्नर है इसे यहाँ लेके जाना है, कि जो ये वाली लाइन है मतलब ये वाली साइड है ये बिल्कुल इसको ढक दे ऐसे। अगर आपके पास स्केल वाला पेपर है तो इसे करने की कोई जरूरत नहीं है, और इसे स्केल की मदद से जो पेपर बच गया है उसे काट लें, और अब स्केल का कुछ काम ही नहीं रह गया है। आपको क्या करना है, पेपर कैसे रखना है, जिस साइड आपने फोल्ड किया मतलब जिस साइड से फोल्ड किया हुआ है उसे तो फोल्ड रहने दें, और अच्छी तरह अपने नेल से इसे दबा दें। ऐसे ही दूसरी तरफ से मतलब इसके अपोजिट डायरेक्शन से एक बार और इसे फोल्ड कर लें। ध्यान रहे कि आपका पेपर बिल्कुल सही रहे, मतलब कॉर्नर एक दूसरे से मिलते हैं, और अब इसे उल्टा कर लें, मतलब जिस साइड फोल्ड हो रहा है उससे उल्टा ऐसे, और इसे ऐसे फोल्ड कर लें, मतलब स्केल का रेक्टेंगल बना लें, और ऐसे ही अपोजिट डायरेक्शन में भी बना लें। मैं आपको दोबारा बताता हूँ, पेपर लिया, पेपर है स्केयर, इसे एक बार ऐसे फोल्ड करना है डायगनली, और एक बार उल्टी डायरेक्शन में डायगनली करना है। फिर क्या करना है, पेपर को उल्टा करके इसे स्केयर की उसमें करना है, स्केयर से रिटेंगल की फोल्ड में लाना है ऐसे ही अपोजिट डायरेक्शन से। और अब क्या करना है, जिस साइड पेपर बंद हो रहा है उस साइड इस टिप से इसे पुश करना है आगे की तरफ। ये लीजिए हो गया, और इसे धीरे धीरे इस साइड से इसको दबाना है, ऐसे जैसे देखना। आपको दोबारा करता हूँ, जैसे सबसे पहले क्या करें, इस वाले पॉइंट को ऐसे कर लें, मतलब ये वाली इस पॉइंट को उठा के यहाँ ले आए, और इस वाले पॉइंट को उठा के यहाँ ले आए, इस वाले को यहाँ दबा दें। मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आपसे गलती होगी, मैं आपको दोबारा बताता हूँ, जो ये वाला पॉइंट है इसको उठा के इधर साइड ले आए, मतलब इस साइड, ठीक है। जो ये वाला पॉइंट है इसको यहाँ से दबा दें, हो गया, और इसे एकदम से ऐसे फोल्ड करें, इसे इस तरह से। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, आपसे गलती ना हो इसलिए, पेपर कैसे था ऐसे, इसे क्या करना है, पहले तो इस वाले पोर्शन को इधर लेके जाना है इस साइड, और जो ये वाला पोर्शन है इसको अंदर लेकर दबाना है, हो गया। फिर इसको ऐसे करना है, और इसको जिस साइड से पेपर खुल रहा है मतलब जैसे इस साइड से खुल रहा है, साइड से तो ना खुल रहा है, इस साइड से खुल रहा है, और सीजर लेके इसे ऐसे कट लगाना है एक, ताकि विंग्स की शेप आ जाए। इसे कट लगा दिया, अब सीजर का भी कुछ काम नहीं रह गया है। अब क्या करना है, इसे वापस वैसे फॉर्म में लाना है और ऐसे रखना है, और इस ऊपर वाली फर्स्ट पेपर वाली स्ट्रिप को ऐसे लाना है, कि जो ये वाली इसकी ये है साइड, वो इसको बिल्कुल जो सेंटर बना हुआ है उसे टच कर, और इसे बिल्कुल आपने नेल से दबा देना है ऐसे ही, दूसरी साइड से इसे पूरी तरह नेल से दबा देना है, और क्या करना है, इसे फिर सीधा लेके जाना है, और जो ये वाली है मतलब ये वाली जो बच गई, आप देख सकते हैं ये जो बच गई, इसे ऊपर ले जाके इसे यहाँ से ऐसे दबा देना है, इसे यहाँ पे ऐसे दबा देना है।
अगर यहाँ पे आपसे नई तरह लग रही तो आप फेविकोल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे इसको दबा दें और इसको एक बार ऐसे फोल्ड कर लें ऐसे। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बटरफ्लाई तैयार हो चुकी है। ये देखिए, ये देखिए, मैंने ऐसी और भी बटरफ्लाई बनाई है। आप इसके अंदर कोई भी पेपर यूज कर सकते हैं। मैं आपको भी दिखाता हूँ। आप इसके अंदर कैसा भी पेपर यूज कर सकते हैं, चाहे वो मैगजीन का हो, चाहे कलर पेपर हो, और ऐसी बहुत सारी बटरफ्लाईज बना सकते हैं और अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, इसे जरूर शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।